क्वेश्चन 1.2 क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज इज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। हमें यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए गए, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर और दूसरा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो दो क्वेश्चन दिए गए, पहला पूछा गया आपको डिस्टेंस और दूसरा पूछा गया है कि दूसरे स्फीयर पे पहले स्फीयर की वजह से कितना फोर्स लगेगा। ऑलरेडी पहले स्फीयर पे जो दूसरे स्फीयर की वजह से फोर्स लग रहा था दैट इज 0.2 न्यूटन ये दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में डेटा क्या दिया गया है, चलो बना देते हैं डेटा। पहला है Q1 इक्वल्स टू 0.4 माइक्रोकूलम दैट इज इक्वल्स टू 0.4 क्रॉस 10^-6 कूलम, ये होगा फर्स्ट डेटा। दूसरा है Q2 इक्वल्स टू 0.8 माइक्रोकूलम दैट इज इक्वल्स टू 0.8 क्रॉस 10^-6 कूलम। हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है क्योंकि एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो ये हो गया आपका सेकंड डेटा। थर्ड है F इक्वल्स टू 0.2 न्यूटन, आपको फोर्स दिया गया है, तो ये हो गया थर्ड डेटा। तो यहां पे जो भी डेटा दिया गया था हमने डेटा बना लिया। अब हमें क्या करना है, तो हमें यहां पे एक और एडिशनल डेटा की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम यहां पे कूलम्स लॉ यूज करने वाले हैं और वो एडिशनल डेटा है K। सो एडिशनल डेटा K इक्वल्स टू 9×10^9 इन SI यूनिट, ये हो गया एडिशनल डेटा। तो डेटा एंड एडिशनल डेटा निकाल लिया हमें, चलो आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप है इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। सेकंड स्टेप है R स्क्वायर इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपन F, हमने क्या किया एक्सचेंज किया, जो R स्क्वायर डिनोमिनेटर में था उसको हम आगे ले गए और जो F लेफ्ट हैंड साइड था उसको राइट हैंड साइड लाके डिनोमिनेटर में रख दिया, ये हो गया सेकंड स्टेप। नेक्स्ट स्टेप वैल्यू पुट करेंगे 9×10^9 इज द वैल्यू ऑफ K इनटू 0.4×10^-6 Q1 का वैल्यू इनटू 0.8×10^-6 Q2 का वैल्यू, डिवीजन में आएगा 0.2 दैट इज F, ये वैल्यू पुट हो गई। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, व्हेन यू परफॉर्म 9×0.4×0.8 डिवाइड बाय 0.2 आपको मिलेगा 14.4 इंटू, आप ऊपर वाले स्टेप में देख सकते हो कि 10 में कितना पावर था, पहले ऊपर 9 था -6 था, तो 9 एंड -6 को हम बोल सकते हैं -12, तो ये हो गया 10 का पावर 9 -12। नेक्स्ट स्टेप ये जो 14.4 अप स्टेप में जो था उसमें हमने एक पॉइंट आगे ले लिया तो ये बन गया 1.44 क्रॉस, अब साइड मैंने बताया 9 -12 तो आंसर आएगा -3 और उसके साथ एक पावर हम करेंगे प्लस क्योंकि हमने 14.4 की जगह पे लिया है 1.44। नेक्स्ट स्टेप तो ये हो गया आपका 1.44 क्रॉस -3+1 जो ऊपर वाले स्टेप में था उसका आंसर हो जाएगा -2 यानी कि 10 का पावर -2, तो ए मिला आपको आर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप आर स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, अभी आपको फाइंड करना है आर, तो R फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे स्क्वायर रूट निकालोगे, तो जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1.44 का स्क्वायर रूट आएगा 1.2 क्रॉस 10^-2 का स्क्वायर रूट आएगा 10^-1, ये हो गया आपका इस स्टेप। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, तो ये जो 1.2 क्रॉस 10^-1 था उसको हम 12×10^-2 बोल सकते हैं, एक पॉइंट हम राइट हैंड साइड लेके जा रहे हैं तो पावर होगा माइनस, तो -1 -1 हो गया -2 इन टर्म्स ऑफ मीटर। नेक्स्ट स्टेप 12×10^-2 जो अप स्टेप में था ये -2 मीटर को हम सेंटीमीटर में बोल सकते हैं, दैट्स व्हाई इट्स अ 12 सेंटीमीटर, तो ये आ गया आपका R इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर आंसर, ये हो गया क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट सॉल्व। दूसरे पार्ट में क्या बोला है, दूसरे पार्ट में बोला है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, यानी कि दूसरे पे पहले की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, तो इसका आंसर होगा कुछ इस तरह से अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ, और वो भी कौन सा थर्ड लॉ, क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं F21 = F12, यानी कि फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इक्वल्स टू फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू,
दो पे एक की वजह से जो फोर्स लगेगा वही फोर्स एक पे दो की वजह से लगेगा, और वो फोर्स कितना है, दैट इज 0.2 न्यूटन। यहां पे हमें पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज स्पीयर था और दूसरा था नेगेटिव चार्ज स्पीयर, तो ये फोर्स भी कैसा रहेगा, एट्रैक्टिव।